अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईपैड इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद हो कि सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए जो आज कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो है जी कंप्यूटर अकाउंटिंग कोर्स। इस कोर्स के बारे में आज आपको डिटेल भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितनी ड्यूरेशन के हम लोग ये कोर्स करवा रहे हैं। सबसे पहले बात करता चलूँ कि बेहतरीन रोजगार हासिल करने के लिए जो भी अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज में जाना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग फर्म्स में जाना चाहते हैं, आप अपना कैरियर अकाउंट्स एंड फाइनेंस में परसू आगे करना चाहते हैं और शॉर्ट टाइम के अंदर आप ये कोर्स को सीख के अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप काम कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाएंगे वो तमाम इंटरनेशनली वेल रिकग्नाइज ERP सॉफ्टवेयर हैं। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटरमीडिएट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स लेवल तक भी हैं, एक बेस्ट वे है, एक गेट वे है जल्दी अर्निंग स्टार्ट करने का और एक प्रोफेशनल फील्ड में जाने के लिए, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। 2-3 से 4 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है। थ्रू आउट इसमें प्रैक्टिकल हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी करवाते हैं और फिजिकल क्लासेस भी करवाते हैं। अब इस कोर्स के अंदर हम लोग करवाते हैं क्या क्या, इस कोर्स के अंदर हम लोग PC, क्विक बुक, टैली और एक्सेल, ये 4 सॉफ्टवेयर हैं जिसकी प्रॉपर हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं। प्रैक्टिकल कोई इसमें थ्योरेटिकल नहीं है क्योंकि तमाम सॉफ्टवेयर जो PC है, क्विक बुक है, टैली है, ये ERP स्टैंडर्ड्स हैं। ERP का मतलब है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके अंदर आप इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, लाइक इंडियन बेस्ड जो कंपनीज हैं या इंडियन बेस्ड जो मैथडोलॉजी अकाउंटिंग एंड उसकी फाइनेंस की वो टैली फॉलो करती है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को PC फॉलो करती है और अमेरिकन एंड कैनेडियन सेक्टर्स को या कंट्रीज को जो उधर के प्रोफेशनल आपके अकाउंटिंग वगैरह हैं उसको फॉलो करता है आपकी क्विक बुक्स। अब ये सॉफ्टवेयर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आते जा रहे हैं, अपडेट्स होती जा रही है इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर और हम लोग आपको इसके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग सिखाते हैं कि किस तरीके से आपने डाटा एंट्री करनी है, किस तरीके से आपने चार्ट्स बनाने हैं, कैसे आपने मैनेज करनी है, जनरल लेजर कैसे पास करनी है, जनरल एंट्रियां कैसे पास करनी है, आपने किस तरीके से सेल्स एंड परचेस और प्रोक्योरमेंट सेक्टर को देखना है, आपने लॉजिस्टिक को कैसे करना है, आपने इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है, ठीक है जी, आपने क्लाइंट कस्टमर को कैसे डील करना है, उसकी इन्वॉइसेस कैसे जनरेट करनी है, आपने वेंडर से कैसे माल लेना है, सप्लायर से कैसे माल लेना है, उसकी इन्वॉइसेस कैसे जनरेट करनी है, फिर उन इन्वॉइसेस को आपने आगे GE जनरल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करना है और आगे कैसे आपने बैंकिंग सेक्टर में लेके जाके इसको वाइंड अप करना है या इसको एग्जीक्यूट इन अ रिपोर्ट करना है। क्योंकि अगर आप कंपनी के पास जाते हैं तो वो आपसे इंटरव्यू में तमाम एथिक्स पूछते हैं कि जी आप ये बताएं कि फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आप लोग इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज करेंगे। आपके सामने डाटा रखा जाता है मुख्तलिफ अकाउंटिंग फील्ड्स का और आपको पास बताया जाता है कि जी इस डाटा को इसमें एंटर करें, हम सेल कर रहे हैं सेल का डाटा एंटर करें, हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसका डाटा एंटर करें, हम HR की सैलरियां पे कर रहे हैं उसका डाटा एंटर करें और फिर हमें इसे फाइनल रिपोर्ट में एग्जीक्यूट करके सबमिट करवाएं। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको इस प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग में सिखाते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, आने वाली नई वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।